जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है और यहाँ पर 332 वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 332 वैकेंसीज है और सबसे बड़ी बात है कि इन वैकेंसीज के कोई भी रिटर्न टेस्ट यहाँ पर नहीं होने वाला दोस्तों। तो जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, इसी तरह की आपको अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों। ये जो वैकेंसीज है ऑफिस ऑफ द चेयरमैन स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड आसाम की ओर से निकाली गई है। 24 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको मिलेगी जिसमें कि इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आपको मिलेगी 2, सब इंस्पेक्टर की 60, हेड कांस्टेबल की 70 और कांस्टेबल की 200, यानी टोटल वैकेंसीज आपको मिलने वाली है 332 वैकेंसी। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा 1 सितंबर 2023 से लेके 15 सितंबर 2023 तक ऑफिशियल एड्रेस के माध्यम से, जो कि आपको मैं नीचे बताऊंगा या फिर आपको वीडियो के डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इंस्पेक्टर की जो सैलरी यहाँ पर होगी 22,000 से लेकर 97,000 पेमेंट 3 के अंतर्गत, ग्रेड पे 10,300 रुपये दिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर के लिए 60,000 तक दिया जाएगा, ग्रेड पे 8,700। हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर 60,500 तक और 6,800 रुपये यहाँ पर मिलने वाला है आपको ग्रेड पे। कांस्टेबल के लिए 64,000 से लेकर 60,500 रुपये और 5,600 रुपये यहाँ पर मिलने वाला है ग्रेड पे। ये सभी वैकेंसीज पूर्व सैनिक GCOOR के लिए है। कुछ बातें यहाँ पर जरूर रखी गई हैं, उसको आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम जो एज है 50 ईयर है। एज ऑन 1/1/2023 कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न ऑन, जिन जो कैंडिडेट हैं उनका जन्म 1/1/1973 के बाद नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पर HSLC रखा गया है, 10th पास है। सर्विस क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल हेड कांस्टेबल दोज हु रिटायर्ड, यानी कि जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए हु रिटायर इन द रैंक ऑफ सिपाही टू हवलदार आर्मी और इक्विवेलेंट रैंक इन एयरफोर्स नेवी, यानी कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए जो रिटायर हुए हैं सिपाही से हवलदार तक आर्मी इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स और नेवी के, वो इनके लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरा जो पोस्ट सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के लिए हैं जो रिटायर हुए हैं रैंक ऑफ नायक सुधार और अबव आर्मी एयरफोर्स और नेवी के, वो इनके लिए एलिजिबल रहेंगे। जो बात है कि नायब सूबेदार हु रिटायर एज हवलदार, नायब सूबेदार जो भी एज हवलदार की तरह रिटायर हुए हैं इक्विवेलेंट रैंक सभी सेनाओं में और जिन्होंने 15 साल या उससे ज़्यादा सर्विस की है, उनके लिए एक ऑप्शन है कि वहाँ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको दो पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं करना है, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल के लिए या फिर सब इंस्पेक्टर के लिए, किसी एक पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। हाउ टू अप्लाई, इसका जो ऑफिशियल एड्रेस है आपको वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा। जो कि आपको वीडियो के डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा और क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का है उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। कैंडिडेट को अपना फ़ोटो और अपलोड करना है, फ़ोटो भी ठीक ठाक कंडीशन की होनी चाहिए, बाकी अपनी डिटेल्स दिखनी होगी आपको। फ़ोटो जो होगा मस्ट हैव टेकन आफ्टर 1 जून 2023 के बाद जो फ़ोटो लिया होगा आपने वही आपको फ़ोटो अपलोड करना है। और बाकी यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई है किस फॉर्मेट में करना है, सिग्नेचर क्या रहेंगे किस तरह से रहेंगे, तो करना मोबाइल नंबर आपको ठीक ठाक देना है, ईमेल आईडी आपको ठीक ठाक देना है जो कि वर्किंग कंडीशन में है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर रहेंगे दोस्तों यहाँ पर बताया गया उसके बारे में, डिस्चार्ज बुक आपके पास होनी चाहिए, मेडिकल कैटेगरी से रिलेटेड आपके पास सही होना चाहिए, पेंशन पे ऑर्डर, उसके अलावा पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, उसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड एंड जो जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा इशू होता है। और बाकी यहाँ पर ये जो वैकेंसीज है, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो वैकेंसीज है सभी वैकेंसीज डोमिसाइल ऑफ आसाम, यानी कि आसाम के जो मूल निवासी हैं उनके लिए वैकेंसीज रहेगी। तो जितने भी आसाम के हमारे पूर्व सैनिक भाई हैं उनके लिए यहाँ पर
ये मौका है। काफ़ी लोग हमें मैसेज करते हैं कि आसाम की बताओ, तो उनके लिए अच्छा मौका है दोस्तों ये, आप जाना चाहते हैं। फिजिकल और मेडिकल टेस्ट क्या रहने वाला है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिजिकल यहाँ पे कुछ नहीं है, बल्कि मेडिकल आपका ठीक ठाक होना चाहिए। उसके अलावा फिजिकल में जो आपका हेल्थ है ठीक ठाक कंडीशन होनी चाहिए, आप सुनने के लायक होनी चाहिए ठीक ठाक, आई साइड ठीक होनी चाहिए, चाहे आप ग्लास लगाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेफ फन यहाँ पे बताया गया है कि सेफ फन होना चाहिए, सेफ फन कैटेगरी फ्रॉम द आर्मी और इक्विवेलेंट कैटेगरी फ्रॉम द नेवी और एयरफोर्स इन द डिस्चार्ज बुक यानी लिखा होना चाहिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट हु इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा जब भी आपको अपॉइंटमेंट होगा या फिर हायर अथॉरिटी आपको मांगेगा दोस्तों। एक्सेसमैन हु आर डिसऑनर्ड डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी फोर्सेस और एनी प्रीमैच्योर डिस्चार्ज रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड और अदरवाइज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मेडिकल ग्राउंड पे जो भी हैं वो इसके एलिजिबल नहीं रहेंगे। या फिर आप डिसऑनर यानी कि आपको कोई सज़ा मिली हो इस तरह से, उस ग्राउंड पर आप डिस्चार्ज आएँ। सलेक्शन प्रोसेस जो होगा दोस्तों, सेलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क सिक्योर्ड इन द ओरल इंटरव्यू। ओरल इंटरव्यू में आपने कितने मार्क लिए हैं उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, और जो मार्क यहाँ पे हो 100 मार्क टोटल होगा, उसमें से आपको कितने मार्क आते हैं उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। जो डेट टाइम और स्थान जहाँ पे इंटरव्यू होगा उसके बारे में आपको बाद में बताएगा। विल बी अनाउंस्ड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम थ्रू द वेबसाइट यानी कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको बताया जाएगा। एंड द इंडिविजुअल मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द आपने जो इंडिविजुअल मोबाइल नंबर आपने इसमें दिया है, जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपको सही मोबाइल नंबर देना है जिसमें कि SMS आ सकें जो कि आप यूज़ करते हो, और ईमेल एड्रेस वैलिड हो उसमें भी आपको मैसेज किया जाएगा। जो आप जब भी इसका इंटरव्यू होगा, जो टाइम होगा, जो स्थान होगा और जो जगह होगा उसके बारे में। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट विल हैव टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने होंगे जब भी इसके लिए आपको बुलाया जाएगा। डिस्चार्ज बुक, उसके अलावा पेंशन पे ऑर्डर यानी कि PPO, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आइडेंटिटी कार्ड जो भी जिला सैनिक बोर्ड ने आपको दिया है दोस्तों। तो ये था नोटिफिकेशन जो कि आसाम के पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर अच्छा मौका है, और यहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों की निकाली गई है जो कि विदाउट टेस्ट के है। 332 वैकेंसीज है। इससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा। इससे संबंधित जो नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ में आपको टेलीग्राम लिंक में भी आपको इससे संबंधित नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगती लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।